प्रदेश में चल रही निकाय चुनाव की मतगणना के बीच एक सबसे बड़ी खबर देवबंद से आ रही है। जी हां, देवबंद में मतगणना स्थल पर भारी संख्या में लड़ाई झगड़ा और मारपीट देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान यहां पर एक पुलिस कर्मी को माथे में चोट आई है। जी हां, सर में चोट लगने की वजह से लहूलुहान सिपाही हो गया है। यहां पर बताया गया कि मतगणना स्थल पर दो लोगों में आपसी बहस होती है। जो दो प्रत्याशी थे, प्रत्याशियों के समर्थक थे, उनमें खींचतान होती है, जिसके बाद वहां पर लाठी डंडे की नौबत तक आ जाती है। लेकिन पुलिस ने मौके पर एहतियात के तौर पर वहां पर सभी सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करते हुए वहां पर अभी फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी मतगणना के दौरान ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े मतगणना स्थल पर ये नौबत आई कैसे। लेकिन यहां पर फिलहाल उपद्रव करने वाले सभी लोगों को मतगणना स्थल से बाहर कर दिया गया है। देखिए हमारे सहयोगी पिंटू शर्मा की ये एक रिपोर्ट। राजगढ़ कंटेनर कॉलोनी में मतगणना हो रही थी। मतगणना के दौरान अचानक से एक बीजेपी कार्यकर्ता, बताया जाता है कि उसका नाम जो है राहुल है और वो मंडल अध्यक्ष है, और एक सिपाही जो चिराग है उनको लेकर कहा सुनी होती है। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है उन्होंने कुर्सी उठाकर राहुल जो सिपाही है उसके सिर में मारी, जिससे उसके सिर में खून से लहूलुहान हो गया। और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें जो है बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल हुआ। हालांकि फिलहाल जो वजह है घटना की वह पता नहीं लग पाया है। फिलहाल जो है सिपाही को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया है और बीजेपी कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पर नहीं है। हालांकि यहाँ पर आला अधिकारी आ गए हैं, अब उनसे पूछते हैं कि मामला पूरा क्या था। देवबंद से पिंटू शर्मा, यूपी तक के लिए।